बाबा रामदास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। परम सौभाग्य से आज हम सब उपस्थित हुए हैं इस हस्तिनापुर की पावन प्राचीन धरा पर। हस्तिनापुर जिसका उल्लेख हमारे सारे शास्त्रों में, पुराणों में किया गया है। लाखों साल से बसी बसाई यह जो नगरी थी, यह हमारे सनातन वैदिक धर्म के राजाओं का यह मुख्य स्थान रहा है। जो हम पीछे देख रहे हैं यह मंदिर है 5000 साल पुराना, पांडवों के द्वारा स्थापित पांडवेश्वर शंकर भगवान का मंदिर है। और जहाँ जिस स्थान पर पांडव लोगों ने शिव जी की स्थापना की और जिस स्थान पर वे नित्य ही पूजन करते थे, माता कुंती जिस स्थान पर आकर पूजन करती थी, वह यह प्राचीन पांडवेश्वर मंदिर का दर्शन आप सबको हम करा रहे हैं। और आप अगर देख सकते हैं हमारी बाईं ओर, यह है प्राचीन जयंती माता का शक्तिपीठ है। यह पांडवों की कुलदेवी माता जयंती, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, ये जयंती माता का मंदिर है। ये पांडवों की कुलदेवी, आप अगर इस पर देखते हैं सीढ़ियाँ बनी हुई है। इसका वास्तविक रहस्य यह है कि यह 6 महालों का महल था, लेकिन 6 महालों में से 4 महाले आज बचे हैं जो मिट्टी के नीचे हैं। क्या कारण रहे जिसके कारण सरकार ने यहाँ पर एक्सकेवेशन सारे प्रोजेक्ट्स बंद करवा दिए, खुदाई रुकवा दी और यह स्थान वन विभाग को दे दिया है। इस स्थान पर उद्धव जी, इस स्थान पर विदुर जी की कुटिया भी है आगे, जो कि नई बनाई गई है। लेकिन प्राचीन अगर खुदाई होती है तो कई पुरातत्व से संबंधित सामान मिलते हैं। अभी भी वे सिक्के और वे पत्थर और वे शिलालेख यहाँ खुदाई में मिलते हैं, जो पांडवों से संबंधित, हस्तिनापुर के कुरुवंश से संबंधित माने जाते हैं। तो ये वो स्थान में से अब मिट्टी के नीचे दबा हुआ 4 महालों का महल अब भी है और 2 महाले टूट गए हैं। लेकिन सरकार अगर इसके प्रति ध्यान देती है तो इनकी खुदवाई करके अंदर जो इसके प्राचीन सभ्यता के जो चिन्ह हैं उनको वापस निकालें। इससे पहले हम माता के दर्शन करने जाएं, आइए हम लोग सब पहले पांडवेश्वर महादेव के दर्शन करते हैं। मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ कि यह शिव मंदिर 5000 साल पुराना है और इसमें पांडवों की 5 मूर्तियाँ हैं। ये मूर्तियाँ भी पांडवों के मुख इसमें स्पष्ट दिखते थे, तो आज धीरे धीरे कलिकाल के प्रभाव से वे मूर्तियाँ छुपती जा रही हैं। आइए उनके दर्शन करते हैं। जय जय श्री राधे। जय जय। ऐसी मान्यता रही है कि पांडव लोग जब बचपन में यहाँ आते थे और माता कुंती भक्ति भाव से शिव जी का पूजन करती थी, तो इसी वृक्ष के नीचे पांडव लोग यहाँ खेल कूद करते थे। आप देख सकते हैं ये वृक्ष कितना विशाल, कितना प्राचीन वृक्ष है। इसकी सुंदरता आप सब देखिए। यहाँ के महंत महाराज जी हैं, हम उनको चरण में प्रणाम करते हैं। महाराज जी, ये स्थान पांडवों से और हस्तिनापुर कुरुवंश के राजाओं से संबंधित ये स्थान है। हाँ। जी, ये पांडव। और ये वृक्ष इसकी क्या, ये पांडवों के जवानी बताते हैं। जी, तो देखिए मंदिर के अंदर दर्शन करते हैं। जय हो। जय जय। आइए बोलो भोलेनाथ भगवान की जय। बड़ा ही दिव्य यह शंकर भगवान का जो शिवलिंग है आप दर्शन कर सकते हैं। यह शिवलिंग आज का नहीं, पांडवों के समय से दिव्य इसकी आभा प्रभा है। आप सब दर्शन करें कैसे सुंदर इंद्रनील मणि के ये शिवलिंग की जो संरचना है। और यह वह पांडवों के समय से जो पूजित पांडवों के 5 पांडवों की मूर्तियां हैं, धीरे धीरे काल कवलित होती जा रही हैं ये मूर्तियां। आप इनके दर्शन करें पास से। हाँ, महाभारत कालीन पांडवों की मूर्तियों के दर्शन हैं। लेकिन जैसा मुझे लगता है यह राधा कृष्ण की मूर्ति लगती है। आप देखिए वंशी धारण कर रखा है 2 हाथों में और बगल में श्री पांडवों की है। पांडवों की है। अच्छा, तो 4 हैं, 5 4 हैं, ऐसा ही दिख रहा है।
बीच वाले सुलाई हो गए, एक और मूर्ति जीर्ण हो गई है ऐसा माना जाता है। जो भी हो, लेकिन यह मूर्तियों के इससे पता चल रहा है कि यह 5000 वर्ष प्राचीन यह शिलाएं हैं। बोलो शंकर भगवान की। इधर अखंड ज्योत भी चल रही है, बाबा को सेवा कुछ प्रदान करें। जय हो। आइए परिक्रमा के दर्शन करते हैं। जय बंधेश्वर। यह स्थान माँ जयंती का है, पांडवों की जो कुलदेवी, कुरुवंश की कुलदेवी, और इधर यहाँ जयंती माँ जगदम्बा की पूजा करते थे पांडव लोग। यह वास्तव में किला है पूरा, आप देख सकते हैं मिट्टी का किला। ये मिट्टी इतना ऊंचा नहीं है, जिसके नीचे महल पूरा दबा पड़ा है, जिसको सरकार ने रोक लगा रखी और वन विभाग को दे रखा है। इधर कोई भी खुदाई पर प्रतिबंधित किया गया है। हम इसके पीछे की मंशा नहीं जानते हैं कि इतने प्राचीन और इतनी मुख्य, इतनी इम्पोर्टेंट जो स्थली है भारतीय इतिहास की, उसकी खुदाई पर क्यों रोक लगा रखी है। आइए हम माँ जगदम्बा के दर्शन करते हैं। जय 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 दुर्गे, जय दुर्गे। और यह सीढ़ियाँ हमें मंदिर के निकट ले जा रही हैं। आप देखिए, यह धन्य है वह मिट्टी जिस पर परम भागवत जो पांडव हुए हैं, श्री कृष्ण कुंती आदि भक्तों के चरण धूल है, यह उनके चरण पर पड़े हैं। हम तो इस मिट्टी को पूज्य मानते हैं। पांडवों के शिव मंदिर के दर्शन के बाद अब हम लोग इस दिव्य अंबा माँ के मंदिर और पांडव किले के ऊपर चल रहे हैं। यह पीछे का पूरा जो जंगल है, आइए मैं आपका ध्यान आकर्षित करूँगा। यह वो गड्ढा है जहाँ पर अर्जुन को रथ प्राप्त हुआ था। आज जंगल में जो बदल गया है, एक समय था इसी स्थान से यज्ञ के द्वारा अर्जुन को रथ और गांडीव धनुष की प्राप्ति हुई थी। अब यह बिल्कुल जितना वन के द्वारा संरक्षित स्थान है, यह बिल्कुल किला है। अगर अब भी इसकी खुदाई होती है तो इससे बड़े सुंदर सुंदर जो ऐतिहासिक तथ्य हैं वो सामने आएंगे। जय बंधेश्वर, राधे राधे। आइए सब दर्शन करेंगे। यही रहते हैं बाबा। हाँ, यही है माँ जगदम्बा का वह दिव्या की दिव्य शक्ति पीठ। हालांकि मंदिर की रचना बाद में की गई है, लेकिन स्थान वही है, वही कुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर का वह सभा। यह साक्षी रहा पांडवों की भक्ति का, ये साक्षी रहा कुंती के सत्य का। और यहाँ आप दर्शन कर सकते हैं, दुर्गा पंचायत विराजमान है, शंकर भगवान, श्री नारायण, माँ जगदम्बा बीच में शिला के रूप में विराजित है। आइए निकट से दर्शन करते हैं। Yes.
यह शिला, ये इधर से ही प्रकट हुई है शिला, जो इधर ये वाली निकली है। अच्छा, ये शिला यहीं से निकली है। ये नर्मदा नदी से, ये तो शिवलिंग है। हाँ, और ये स्थापना नहीं किया, ये यही निकली थी। अच्छा। गरुड़ जी खुदाई में निकले थे यहाँ। अच्छा, जय हो जय हो, गरुड़ देवता, गरुड़ जी महाराज, गरुड़ जी। और यह शिला यहीं से प्राप्त हुई जी, जय हो। बड़ी दिव्य, बहुत सुंदर। आप सब दर्शन करें, देखिए बड़े रोचक तथ्य है यह है कि जिस शिला की माँ जगदम्बा के रूप में यहाँ पूजन हो रहा है, आप थोड़ा क्लोजअप लेंगे, उन माँ की जो इस विग्रह का प्राकट्य इसी स्थान पर हुआ। और अत्यंत रोचक तथ्य यह भी है कि जो पास में श्री गरुड़ जी महाराज का विग्रह दर्शन आप कर पा रहे हैं, यह भी यहीं पर खुदाई में निकला है। तो अब आप विचार कर सकते हैं कि कितने लाखों साल पुराना, कितने हजारों साल पुराना इसका इतिहास रहा है। और यह शिला और यह शंख शिला, यह भी आप यहाँ से कैमरा थोड़ा लेंगे, हाँ, तो ये शंख शिला और यह सफ़ेद शिला भी यहीं से मिट्टी, जब मूर्ति माँ की जब पधराई जा रही थी तो इसके मिट्टी के नीचे से ये प्राप्त हुआ है। आप सब दर्शन करें भारत के इस इतिहास का, हस्तिनापुर के इतिहास का। जय बंधेश्वर। किला के अंदर चल रहे हैं, हाँ। और यह चौथे महाले पर हैं हम लोग। आप लोग को लगेगा ये किला कहाँ से, ये तो जंगल है। नहीं नहीं, आगे आते रहिए, आप देखते जाएंगे। मैं विजय जी से कहूँगा अपना कैमरा थोड़ा नीचे लगाएंगे तो आपको दिखेंगे, यहाँ पत्थर नहीं है, ये हर जगह ईंट ही ईंट है। ये पकी हुई 5000 साल पुरानी ईंटें हैं ये, और बिल्कुल लाल रंग है इनका, आप देख सकते हैं। जिस भी पत्थर को उठाएंगे वह पत्थर नहीं है, ईंट है। तो इससे ये संपूर्ण ढांचा कुरुवंश के महल का, किले का ढांचा है, जिसमें चारों तरफ आप देख सकते हैं और सुंदर ईंटों से ये बना हुआ है। तो ये महल, अभी हम जा रहे हैं उस स्थान पर जहां द्रौपदी जी, कुंती माता आदि जो कुरुवंश की रानियां स्नान करती थी, रसोई के लिए जल लेती थी, वही महल के कुएं की तरफ हम लोग सब अग्रसर हो रहे हैं। आप देखिए, ये सब ईंट है महाभारत कालीन। अब उसी प्राचीन हस्तिनापुर के किले के हम ईशान कोण में आए हैं। आप देख सकते हैं ये हमारे पीछे सूर्य है पश्चिम, और आगे पूर्व है, और हमारे दाहिने तरफ दक्षिण दिशा और बाईं तरफ उत्तर दिशा, उत्तर पूर्व के कोने पर इस महल के अंत के यानी ईशान कोण पर कुआं है। ये भारतीय संस्कृति का वास्तुशास्त्र ऐसा निर्देश देता है कि किसी भी वास्तु संरचना के ईशान्य कोण पर आपको कुआं और जलकूप, जलाशय आदि का निर्माण करना चाहिए। और यही कुआं इस बात का साक्षी है कि ये महल का ही अंश है, क्योंकि इस महल के ईशान कोण में आप एक कुएं के दर्शन कर रहे हैं, जो आज नहीं हजारों साल का साक्षी रहा है। और यह कुरुवंश की जो राजधानी हस्तिनापुर के महल का वही कुआं है, जहां पर कुरुवंश की रानियां युगों से यहां स्नान करती आ रही थी, यहां पर वे रसोई आदि के लिए जल का यहां प्रस्तुत कर रही थी। आपने शिव जी के मंदिर और माँ कालिका के दर्शन करने के बाद आज हम लोग कुएं का दर्शन करते हैं। आइए हमारे साथ। जय राधे, जय राधे, जय राधे। देखिए इसमें अब भी जल दिख रहा है, लेकिन हमारे भारत की सरकार सदैव हिंदुओं के हित में चिंता सबसे आखिर में करती है, इसलिए हिंदुओं के तीर्थ स्थान, हिंदुओं के जो प्राचीन ऐतिह्य हैं, वे सब अवहेलित दशा में पड़े रहते हैं। इसका साक्षी है ये कुआं,
आप देखिए इसमें पानी बिल्कुल गंदा हो चुका है और इसकी कोई संरक्षण नहीं है। जय राधे, जय जगन्नाथ। आगे भी देखिए कुछ दीवारें, कुछ आपको दर्शन हो सकते हैं। ये सब निर्माण के अधीन है, ये सब निर्माण हस्तिनापुर के निर्माण है। साक्षी आइए।